इससे ये होगा कि आपके फेस पर रेडनेस नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी। आ जाते हैं व्हाइटनिंग कैप्सूल्स, आप लोग व्हाइटनिंग सीरम भी कोई ऐड कर सकते हो। व्हाइटनिंग कैप्सूल्स नहीं है तो हेलो जी, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे और आप लोगों का रमज़ान भी काफ़ी अच्छा गुजर रहा होगा। ईद आ रही थी तो मैंने सोचा कि पॉलर सीक्रेट्स जो हैं आप लोगों के साथ शेयर करने चाहिए कि वो 700-800 लेके स्किन पॉलिश कर रही होती है, तो हम लोग बिल्कुल वो ही सेम किस तरह अपने घर पर बना सकते हैं। तो वॉच टिल द एंड, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले ले लेनी आप लोगों ने कोई भी ब्लीच क्रीम जो आप लोग यूज़ करते हो, मोस्टली जो है वो सॉफ्ट टच की यूज़ हो रही होती है या क्यूने की यूज़ हो रही होती है। अच्छा बाय द वे, ये सेकंड स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने अपनी स्किन की अच्छी से क्लिनजिंग कर लेनी है ताकि आप लोगों की जो स्किन है वो क्लीन हो सके, फिर आप लोगों ने अपनी ब्लीच को बनाकर वो लाइक अपनी स्किन पर अप्लाई करनी है। पहला जो स्टेप है वो क्लिनजिंग है और आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना है। जब आप लोगों ने अपने फेस की क्लिनजिंग कर लेनी है उसके बाद जो मैं स्टेप्स आप लोगों को बता रही हूँ बिल्कुल सेम अगर आप लोग बनाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा इंस्टेंट और बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलने वाले हैं। हम लोगों ने जो है टीस्पून यूज़ करनी है। अगर आप लोगों ने 3-4 लोगों ने अप्लाई करनी है तो इस क्वान्टिटी को आप लोगों ने डबल कर लेना है। 1/3 टीस्पून जो है मैंने क्रीम ब्लीच यूज़ कर लेनी है और इतना ही। अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है तो कोई इशू नहीं है, उसका भी मैं आप लोगों को सोल्यूशन बताती हूँ। एक्सीलेटर पाउडर जो है वो भी हम लोगों ने सेम क्वांटिटी में ऐड करना है। सॉफ्ट टच का ही जो है वो मैं स्किन शाइनर ले रही हूँ। आप लोगों के पास अगर किसी और कंपनी का आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो, बट मैं ब्लीच जो है वो सॉफ्ट टच की यूज़ कर रही हूँ तो स्किन शाइनर जो है वो भी सॉफ्ट टच का यूज़ कर रही हूँ। और इसके जो रिजल्ट्स हैं, अगर ब्लीच आप कोई और यूज़ कर रहे हो और सॉफ्ट टच का आप लोग शाइनर यूज़ कर रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि ये बेहतरीन शाइनर है, आप लोग इसी को ही यूज़ करिएगा। शाइनर को हम लोगों ने ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है। मैंने टीस्पून जैसे कि यूज़ कर रही थी तो इसमें भी मैं 1/3 ही ऐड कर रही हूँ टीस्पून का। जितनी क्वांटिटी मैंने ब्लीच की ली थी उतनी ही मैं ऑलमोस्ट कह लो कि स्किन शाइनर की भी ले रही हूँ। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाते हैं व्हाइटनिंग कैप्सूल्स, आप लोग व्हाइटनिंग सीरम भी कोई ऐड कर सकते हो। व्हाइटनिंग कैप्सूल्स नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स भी यूज़ कर सकते हो। और आप लोग कोई भी डर्मा कॉर्स तरह जो कंपनीज होती हैं उनका आप लोग व्हाइटनिंग सीरम ऐड कर लो, वो भी अच्छा होता है। और हाँ, अगर आप लोगों की स्किन सेंसिटिव है और आप लोगों को इचिंग वगैरह होती है तो आप लोगों ने इसमें लोशन की क्वांटिटी ऐड कर लेनी है। जितनी क्वांटिटी आप लोगों ने शाइनर की ऐड की होगी उतनी ही क्वांटिटी आप लोगों ने इसमें लोशन या आप लोग कोई भी मॉइस्चराइजर ऐड कर सकते हो, क्लिंजर ऐड कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू। इससे ये होगा कि आपके फेस पर रेडनेस नहीं होगी, इचिंग नहीं होगी। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोगों ने स्किन पॉलिश जो है वीकली कभी भी नहीं करनी होती है, हमेशा 15-20 डेज का गैप ज़रूर दिया करें फिर स्किन पॉलिश किया करें अगर आप लोगों को ज़रूरत है तो। बट 15-20 डेज का गैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को अपने हैंड्स पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि इसके कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, आप लोगों ने वीडियो करने तक ज़रूर देखना है। एंड जैसे अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। 15-20 मिनट्स के लिए आपने इसको अप्लाई करना है, ज़्यादा टाइम के लिए इसको बिल्कुल भी अपने फेस पर मत छोड़िएगा। और इसको जो है हम लोगों ने विद द हेल्प ऑफ स्पंज, वेट स्पंज हम लोगों ने ले लेना है। और ये स्पंज जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ज़्यादा अच्छा है, एंड फॉर मी इट इज़ सेटिस्फाइंग जिस तरह से ये ओपन हो रहा होता है। एनी हाउ, हम लोगों ने वेट स्पंज की हेल्प से अपनी ब्लीच को जो है रिमूव करना है। एंड यू गाइस कैन सी कि कितने अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। कैमरा इज़ नॉट जस्टिफाइंग विद इट, आई स्वेयर बहुत अमेजिंग रिजल्ट है, आप लोगों ने इसको ज़रूर ट्राई करना है। इवन आई अप्लाइड इट फॉर लाइक 8-9 मिनट्स, पूरे 10 मिनट भी मैंने इसको अप्लाई नहीं किया था और बहुत ज़्यादा जो है अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। पॉलर्स में भी बिल्कुल सेम यही स्टेप्स होते हैं एंड यू गाइस कैन क्लियरली सी द डिफरेंस। आई होप कि आपको आज की वीडियो जो मेरी अच्छी लगी होगी, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।